हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी हावड़ा स्टेशन में। आज हम ट्रैवल करेंगे शताब्दी एक्सप्रेस में और शेयर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ट्रेन का टाइम, कौन कौन सा दिन चलता है ये ट्रेन, टिकट का प्राइस कितना है। इसके साथ ही आप जानेंगे ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। शताब्दी एक्सप्रेस भारत के कई शहरों में चलते हैं, लेकिन आज हम हावड़ा से पुरी जा रहे हैं, तो फिर चलिए चलते हैं। हम अपने ट्रेन पे आ गए हैं। हावड़ा में इस ट्रेन का टाइमिंग है दोपहर के 2:15 पर और ये पुरी पहुंचता है रात के 9:50 पर। ये ट्रेन हर रोज चलता है और इस ट्रेन के सभी कोच एसी के हैं, जिनमें से चेयर कार का किराया है 1380 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया है 2130 रुपये। ये जो किराया मैंने बताया है ये हावड़ा से पुरी तक का है। हमारा ट्रेन हावड़ा से बिल्कुल राइट टाइम पर ही छोड़ा है। ट्रेन छोड़ते ही हमें दिया गया पानी का बॉटल। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है जहाँ पे आप अपना पानी के बॉटल रख सकते हैं। हर सीट के लिए अलग बॉटल होल्डर है और यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ही बढ़िया है, काफी स्पेसियस है। हम अपने पानी के बॉटल रख के फ़ोन को चार्ज में दे रहे थे, इतने में ही हमें दिया गया न्यूज़पेपर। जी हाँ, ये देखिए, आप ट्रैवल करने के साथ साथ देश विदेश के खबर को भी जान सकते हैं। कंफर्टेबल सीट और स्पेसियस लेग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे थे, तभी हमें सर्व कर दिया गया इवनिंग स्नैक्स। वेज नॉन वेज दोनों का ही ऑप्शन है, आप अपने पसंद के अनुसार चॉइस कर सकते हैं। हमने चॉइस किया नॉन वेज आइटम। देखिए स्नैक्स में हमें क्या क्या दिया गया। ये है भुजिया, यहाँ पे है ये कचौड़ी। हर चीज़ को बहुत अच्छे से पैक करके दिया गया है, मतलब हाइजीन का बहुत ही अच्छा ख्याल रखा गया है। ये है टी किट और ये है चिक्की। सॉस भी दिया गया है और ये है सैंडविच। हम खाते खाते बाहर के नज़ारे का आनंद भी उठा रहे हैं, क्योंकि हम इसे मिस नहीं करना चाहते। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्नैक्स खाने के बाद हमें दिया गया गरम पानी और टी किट तो पहले ही दिया गया था, तो इससे अभी हम चाय बनाएंगे और गर्मा गर्म चाय पियेंगे। टी किट के अंदर शुगर, मिल्क सब कुछ अलग अलग दिया गया है, हमें बस इसे बनाना है। और ये रेडी हो गया हमारा चाय। हम खड़गपुर स्टेशन पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छोड़ने के बाद इस ट्रेन का ये पहला स्टॉपेज है। यहाँ पे ट्रेन 5 के लिए रुकता है। अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है तो आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। ट्रेन अभी तक राइट टाइम पर ही है, चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से ट्रेन राइट टाइम पर पूरी पहुंचती है कि नहीं।
हावड़ा से ट्रेन छोड़ने के बाद इस ट्रेन का मात्र 6 स्टॉपेज है, खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक और भुवनेश्वर होते हुए हमारी ट्रेन पहुंचेगी पुरी। चलिए अब जान लेते हैं इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। हर सीट के पास इस तरह के चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिसमें आप अपना मोबाइल या फिर लैपटॉप आराम से चार्ज कर सकते हैं। और अब यहाँ देखिए विंडो में इस तरह के कर्टेंस लगाए गए हैं जिससे आप आराम से धूप से बच सकते हैं। आप चाहे तो विंडो को हाफ क्लोज कर सकते हैं, देखिए इस तरह के हुक दिया गया है जहाँ पर ये विंडो हाफ क्लोज है, और या फिर आप इसे फुल क्लोज कर दीजिए, ये देखिए। और अगर आपको विंडो में कर्टन्स नहीं चाहिए तो आप इसे खोल दीजिए, ये देखिए। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए रीडिंग लाइट। हर सीट के अलग अलग रीडिंग लाइट दिया गया है, इसे इस तरह से ऑन करके आप आराम से बुक या फिर पेपर कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आप इस लाइट को अलग अलग एंगल में भी सेट कर सकते हैं। आप लोगों से बातें करते करते अब वक्त हो गया हमारे डिनर का। अभी वेज आइटम दिया जा रहा है, इसके बाद नॉन वेज दिया जाएगा। तो हमारा तो नॉन वेज है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए पूरे हाइजीन को मेंटेन करके सर्व किया जा रहा है। चलिए एक एक करके खोल के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे है 2 पराठा, ये दही है, और यहाँ पे है राइस, ये चिकन करी है, 2 पीस है चिकन के, ये दाल है, और ये अचार है। चलिए टेस्ट करते हैं। खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस ट्रेन में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, इस ट्रेन में टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। जैसे कि 3:30 बजे हमें इवनिंग स्नैक्स दे दिया गया, और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, हमें डिनर भी दे दिया गया। और ये रहा हमारा आइसक्रीम, खाने के बाद हमें ये आइसक्रीम भी मिला, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स हमारा खाना तो हो गया, और अभी हम पहुंचे हैं भुवनेश्वर। अभी भी ट्रेन राइट टाइम पर ही है, सभी पैसेंजर बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब हम पुरी पहुंचे। चलिए अब मैं आप लोगों को वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। इस ट्रेन में कोमोट और इंडियन टॉयलेट दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। हर वॉशरूम में वॉश बेसिन और मिरर भी लगे हैं, साथ में हैंड वॉश और सैनिटाइजर भी दिया गया है। अभी वक्त हो रहा है रात के 9:50 और हम पहुंच गए श्री जगन्नाथ धाम पुरी। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।